हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्र 9 है, कक्षा 6-7 पर हुआ है, हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाना, समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। जैसे यहाँ पर बारिश है, बारिश का मिलान कर दिया यहाँ पर है वर्षा से। पानी का मिलान किससे करोगे भी आप, पानी का करोगे जल से। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित की वर्कबुक का हल मिलेगा सरल भाषा में। बादल का पर्यायवाची क्या होता है अभी? बादल को हम बोलते हैं मेघ। आकाश का क्या होगा अभी? आकाश का होगा आसमान। यहाँ मिलान करोगे। राजा का क्या होगा अभी? राजा का होगा नृप, समानार्थी शब्द है। जंगल का क्या होगा अभी? जंगल का होगा वन। और वस्त्र का क्या होगा अभी? वस्त्र का होगा कपड़ा। अश्व, अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ा देखो कोई है क्या? ये रहा घोड़ा। यहाँ पर मछली का क्या होगा अभी? मीन। क्या होगा अभी? मीन। अगला प्रश्न देखो अभी, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखने से मनुष्य क्या होगा अभी? मानव का हो गया मनुष्य। क्या हो गया? मानव का मनुष्य। युद्ध का लिख सकते हो आप लड़ाई, मुकाबला, रण। ईश्वर का क्या लिखोगे भी आप? भगवान। बल का क्या लिखोगे भी? ताकत। त्रु, त्रु क्या लिखोगे भी? दुश्मन। संसार का क्या लिखोगे भी? जग, जगत, दुनिया। सांप का क्या लिखोगे भी? स्वच्छ। हर्ष का क्या लिखोगे भी? खुशी। ये आपके समानार्थी शब्द होंगे। प्रश्न संख्या 3 देखो भी, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पर समानार्थक शब्द छांटने आपको बॉक्स में लिखने। जैसे यहाँ पर फूल दिया हुआ है, फूल का इन तीनों शब्दों में से एक शब्द है वो समानार्थ वाला है। सुमन, केश, वन। केश वन बाल होते हैं, यहाँ पर सुमन आएगा। क्या आएगा भी? सुमन। सुमन मीन्स फूल होता है। दोस्त का क्या होगा भी? सुत। सुतपन बेटा होता है। मित्र, गिरी, गिरी पहाड़ होता है, मित्र आएगा। बगीचा, अंबर आकाश होता है। उद्यान, नेत्र उद्यान आएगा। क्या कभी? उद्यान। बादल, कपी बंदर होता है, मेघ बादल होता है, पत्ती पत्ती जानते हो, मेघ आएगा। बादल आ गया कभी? मेघ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। अब इसमें 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द है वो क्या अभी? अलग है। उस पर क्या लगाना है? आपको गोला लगाना है। जैसे पुत्र, बेटा, सका, सूत। तो पुत्र, बेटा, सूत एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, सका अलग हो जाएगा। सूरज, चांद, सूर्य, रवि। सूरज का पर्यायवाची सूर्य और रवि होते हैं, चांद अलग होता है। गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश, ये तीनों शब्द एक ही हैं, खुश अलग हो जाएगा। फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। फूल, पुष्प और सुमन पर्यायवाची शब्द हैं, यहाँ पर वृक्ष आ जाएगा। क्या जाएगा अभी? वृक्ष। संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग। संसार का भी ये भी होता है, दुनिया भी है, जग भी है, स्वर्ग नहीं होता। नेक्स्ट कार्य पत्र देखिए, 10 नंबर भी। इसमें व्यवहारिक व्याकरण है, क्रिया शब्दों को पहचान कर पाना। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। आपको क्रिया शब्द छांटने वाक्य ये दिए हुए, यहाँ पर क्रिया वाले शब्द हैं। जैसे यह देखो मेरी किताब, यहाँ पर देखो अर्थात देखना क्रिया है। खाना, पीना, सोना, उठना, नहाना, धोना, ये सारी क्या होती है? क्रिया होती है। इसमें काम का होना पाया जाए। से वह पानी लाती है, इसमें लाती है या लाना, लाना क्रिया है, और यहाँ पर आप लाती लिख सकते हो। बादल हट गया,
यहां पर क्रिया क्या है भी, हटना, अंग्रेजी में रिट्रीट बोलते हैं, यहां पर हट गया। वह गिर गया, यहां पर क्रिया है गिरना, क्या है भी, गिरना, और यहां दिया वह गिर गया। अगला देखो भी, प्रश्न संख्या दो दिया हुआ है, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों को प्रयोग कर प्रश्नों को पूरा करना। यहाँ ये बॉक्स दिया गया, इसमें चल रही, बह रही, झूल रहे, खा रहा, दौड़ रहा, खेल रहे, इनमें क्रिया का प्रयोग सीखना है अपने को। जैसे बच्चे फुटबॉल क्या है भी, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अगला है बाहर आंधी, आंधी क्या हुआ अभी, चल रही है, चल रही है। रीमा और मोहन झूल रहे हैं या दौड़ रहा है, तो नहीं आ सकते, रहे ज्यादा है, दो हैं तो झूल रहे, झूल रहे हैं। नदी, नदी क्या कहती है अभी, चलना या बहना, बहना, नदी बह रही है। और बालक क्या कर रहा है अभी, बालक चल रहा है या दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। विक्रम आम खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। अब आगे देखो भी, प्रश्न संख्या तीन है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लेगी, क्रिया शब्द छांटना है आपको। भूख लगने पर, भूख लगने पर, नींद आने पर, विद्यालय जाने पर, छत ऊपर जाने पर, यहां पर क्या है भी, लगना, लगने पर क्रिया है, आने पर, ऐसे नींद आना भी क्या है भी, और भूख लगना दोनों क्रिया, भूख लगना भी क्रिया होती है, यहाँ पर नींद आना भी क्या है भी, क्रिया है। इसमें देखो विद्यालय जाने पर, यहाँ पर जाना क्रिया है, और छत पर जाने पर, यहाँ पर भी जाना क्रिया है। अब देखो भी अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो फील होता है, वैसे आप इसको भूख लगने पर, यहाँ पर क्या है भी, फील, महसूस करना। नींद भी क्या है, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है या नींद, तो इस प्रकार की लगना और आना के लिए हम क्या लगाएंगे भी, फील लगाएंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में महसूस करना। और विद्यालय जाने पर, तो यहाँ जाना क्रिया है, यहाँ पर भी जाना क्रिया है। तो कईयों ने यहाँ पर क्या बता रखा है भी, छत पर चढ़ने पर, चढ़ना क्रिया बता रखी है, तो इस वाक्य में तो क्रिया है ही नहीं, यहाँ पर जाना बता रखी है, यहाँ पर सोना बता रखी है, यहाँ पर खाना बता रखी है, तो यहाँ पर क्या है, इस इन्हीं वाक्यों से पूछा गया है, तो मुझे लगता है लगने पर, आने पर, और जाना और जाना, ये क्रिया होंगी, इनको बोलते हैं फील, महसूस करना। भूख महसूस होती है, और नींद भी क्या होती है, भी महसूस होती है, आती वैसे कम नहीं आएगा, यहाँ पर आना क्रिया नहीं है, यहाँ पर महसूस क्रिया है। अगला देखो भी, दिए गए शब्द जाल में क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए, आपके अध्यापक ने आपको क्या बताया है वो आप कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर क्रिया शब्द छांटने इसके अंदर से, जैसे यहाँ पर देखो भी खेलना, यहाँ पर देखो चलना, यहाँ पर दिया हुआ है चखना, यहाँ पर दिया हुआ है लड़ना, लड़ना, यहाँ पर दिया नाचना, नाचना, ये खाना पीना धोना नाचना, ये सारी क्रियाएं हैं। देखो बोलना, बोलना, यहाँ पर खेलना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो भी खाना, यहाँ पर दिया हुआ है जागना, यहाँ पर दिया हुआ है नहाना, यहाँ पर दिए हुए बैठना। इस प्रकार का आप यहाँ पर
कुछ लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।